नमस्कार दोस्तों। एक्चुअली ये वीडियो मैं बेसिकली इस कारण दोबारा बना रहा हूँ कि जब मैंने इससे पहले जो हिटैची सीआरएम इंस्टॉलेशन का प्रोसीजर का वीडियो बनाया था, तो उसमें एक्चुअली काफ़ी लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि जो एक्चुअली वॉइस क्वालिटी है वो काफी डिस्टर्बिंग थी, जिसके कारण कि जो मैंने जानकारी देने की का प्रयास किया था वो सही तरह से लोगों के बीच में नहीं पहुंच पाई। तो मैं इनफैक्ट ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट रखूंगा और बिल्कुल पिन पॉइंटेड अप्रोच रखूंगा। इसी के कारण मैं इसको ओपन सेशन नहीं करके एक इंडिविजुअल सेशन रख रहा हूँ, जिसमें कि जो हिटैची सीआरएम इंस्टॉलेशन से रिलेटेड सारी चीजें जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो लेट अस स्टार्ट कि बेसिकली ये सीआरएम होता क्या है। ठीक है, तो जैसे मैंने पहले भी सारे वीडियोस में बताया है आपको कि बेसिकली वी हैव एटीएम्स, ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, हम लोग के पास सीडीएम होता है, कैश डिपॉजिट मशीन, और सीआरएम हो गया कैश रिसाइकल मशीन। कैश रिसाइकल में क्या होता है कि कस्टमर अपना पैसा डिपॉजिट भी कर सकता है, उसी से कैश विड्रॉवल्स भी कर सकता है। बैलेंस इंक्वायरी और मिनी स्टेटमेंट पहले से फैसिलिटीज है ही। अच्छा, इसमें बेस्ट पार्ट क्या होता है कि जो भी हमारे फ्रेंचाइजी जो सीआरएम लगाते हैं, तो अगर सपोज कस्टमर ने कैश डिपॉजिट किया और फिर कोई दूसरा कस्टमर अगर कैश निकालने के लिए आ रहा है, तो सबसे पहले मशीन क्या करेगी, डिपॉजिट ट्रे में से कैश को पिक करेगी। तो अगर डिपॉजिट ट्रे में कैश हुआ तो फिर वो विड्रॉवल ट्रे में कैश मतलब कैश के लिए ये नहीं करेगी, तो डिपॉजिट ट्रे में कैश रहने पे ऑटोमेटिक कस्टमर्स को कैश मिल जाएगा। तो अगर सपोज आपके यहाँ डिपॉजिट काफी मतलब आप अच्छा इनकरेज कर लेते हैं, मोटिवेट कर लेते हैं, तो उस कंडीशन में आपकी कैश लोडिंग जो इन्वेस्टमेंट है वो काफी कम हो जाता है, और यही इसका एक मेजर एडवांटेज है। ठीक है, लेकिन इसमें एक जो मेजर अभी हर्डल है हम लोगों के पास कि हिटैची नो डाउट ऑल बैंक डिपॉजिट्स आपको दे रहा है, बट इसमें अभी सारे बैंक्स जो हैं वो आईसीडी प्लेटफॉर्म पे लाइव नहीं है। आईसीडी प्लेटफॉर्म मतलब उनको इश्यूअर और एक्वायरर का उन्होंने ऑथेंटिकेशन एनपीसीआई के द्वारा नहीं कराया है। अब इसमें बेसिकली अगर हम लोग देखा जाए तो इसमें केवल अभी मेनली अगर देखा जाएगा लीड बैंक्स देखेंगे हम लोग, तो पांच जो लीड बैंक्स हैं उनका मतलब वो आईसीडी प्लेटफॉर्म पे वो लाइव है। ठीक है, तो इसमें से जैसे कि आप लेटस ये मतलब हम ये करें, तो ये एक लिस्ट है जो एनपीसीआई पे मैं ना बैंक्स लाइव ऑन आईसीडी है ना, तो इसमें जो मेनली जो बैंक्स कॉमन है सब जगह और कमर्शियल बैंक्स जो है वो आपको कैनरा बैंक है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, आंध्रा बैंक है, यस बैंक है और साउथ इंडियन बैंक। ठीक है, अच्छा मैं बेसिकली इस पे एक स्पेशली एक हाईलाइट करना चाहूंगा। तो बेसिक जो भी हमारे जो नए जो बेसिकली बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, या तो मनी ट्रांसफर का बिजनेस करते हैं, या तो वो किसी बैंक सीएसपी कोई चला रहे हैं, या जिनके पास एक बहुत ही अच्छी मेजर लोकेशन पे शॉप है और उनके आसपास में इनमें से एटलीस्ट दो बैंक, दो से तीन बैंक अगर हैं, अगर तीन बैंक रहेंगे तो हम लोगों का सबसे फर्स्ट प्रेफरेंस रहेगा वैसे साइट्स को मतलब चूज करना जिसमें कि हमारे पास इनमें से मतलब लगभग तीन बैंक मिल जाए। अच्छा, खासकर जो हमारे जो नए एंटरप्रेनर्स हैं, बेसिकली नए हमारे जो इनफैक्ट जो यंग एंटरप्रेनर हैं जो बेसिकली इस व्यवसाय को अपनाना चाहते हैं, बेसिकली जो हिटैची का सीआरएम इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। मैं बताऊं मतलब बेसिकली आप कोई भी अगर बिजनेस प्लान कर रहे हैं, तो आई वुड सजेस्ट जो भी ऐसे हमारे नए उम्र के लड़के हैं या जो इनफैक्ट मनी ट्रांसफर कर रहे हैं और अन्य बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े हैं, तो वो हिटैची का सीआरएम उनके लिए एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। कि अभी हमारे पास भले ही ये पांच कमर्शियल बैंक्स लाइव हैं, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली विद इन अ ईयर लगभग लगभग सारे बैंक्स लाइव हो जाएंगे। और जब सारे बैंक्स लाइव हो जाएंगे और उस दौरान अगर आप कोशिश करेंगे तो मे बी यू मे नॉट बी एबल टू गेट दैट सीआरएम सो इजिली एट योर ब्रांचेस, क्योंकि वहां पहले से कोई ना कोई आ गया होगा। तो अच्छा, खासकर जो हमारे जो वैसे लोग हैं जो
गुजरात और महाराष्ट्र से आ रहे हैं, क्योंकि उसमें ये जो कॉपरेटिव बैंक है हमारा, मैं इनफैक्ट ये हाईलाइट करना चाहूंगा, इसमें आप देखेंगे कालोपुर कॉमर्शियल कॉपरेटिव बैंक जो है वो भी इनफैक्ट ये है, काफी ज्यादातर ये गुजरात एरियाज में इसके काफी ब्रांचेस है, जैसे कि मैं आपको दिखाऊंगा, आप इसमें देखेंगे कि इसमें हमारा ये आप देख रहे हैं, इसमें हम इसमें देखिए इनके नंबर ऑफ ब्रांचेस अच्छे खासे हैं। अब आप मुंबई और महाराष्ट्र में भी इनके ब्रांचेस हैं काफी, गुजरात में काफी हैं, है सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल, जैसे सपोज सूरत में अगर देखा जाए है? तो आप देखेंगे सूरत में 1-2 है ना, पांडेसरा, आनंद महल है ना, रिंग रोड, टेक्सटाइल मार्केट, ये सारी जगह पे ये अवेलेबल है। ठीक है, अब मान लीजिए आपका वडोदरा दिया जाए तो बड़ौदा में भी आपको आपको नजर आएंगे कि इनके ब्रांचेस हैं, अहमदाबाद में ब्रांचेस हैं, फिर हमारा उसमें मर्केंटाइल अहमदाबाद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भी अवेलेबल है। ठीक है, तो और उसके बाद फिर आप मान लेंगे ये थाने जन सहकारी बैंक है, इनके भी ब्रांचेस अच्छे खासे आप देख रहे हैं, इनफैक्ट खासकर गुजरात और महाराष्ट्र एरियाज में काफी ज्यादा इनके ब्रांचेस हैं। तो ये कालोपुर कोऑपरेटिव बैंक है ना, या ये आपका थाने जन सहकारी कोऑपरेटिव बैंक है, और इसके बाद एक अहमदाबाद, तो ये बेसिकली इनका प्रेजेंस देखेंगे कि आपको ये गुजरात और महाराष्ट्र में ज्यादा है। तो खासकर हमारे जो मित्र ये मुंबई या महाराष्ट्र से है बेसिकली, या गुजरात से है, और जो हमारा हिटाची का सीआरएम लगाना चाहते हैं, वो मुझे अपना डिटेल मेरे को भेजेंगे और मैं उनको उचित सलाह दूंगा, और खासकर अगर वो कोई रेंटेड स्पेस लेना चाह रहे हैं, मैं उनको बताऊंगा कि कौन सा एरिया जो उनके लिए उपयुक्त रहेगा, और बेसिकली जो आपका ये रहेगा जो डिस्ट्रिक्ट्स, कौन सा प्रेफरेबल डिस्ट्रिक्ट रहेगा उनके लिए, वो मैं उनको सजेस्ट करके बताऊंगा, और उसी के हिसाब से वो लोग अपना अपना शॉप स्पेस रेंट कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। बिकॉज आप देखिए, जब एक्चुअली क्या है ना, आप अगर इन बैंक्स के आसपास में अगर अपना स्पेस ले रहे हैं तो आपके लिए काफी बेनिफिशियल रहेगा। आप भले ही आपका रेंट अगर एक मतलब सपोज 1000 और 2000 रुपीज ज्यादा भी रहेगा, दैट वुड हार्डली मेक एनी डिफरेंस। व्हाई? बिकॉज आपको इजीली कैश मिल जाएगा, बिकॉज अगर बैंक के सामने ही सपोज अगर आपको स्पेस मिल जाती है तो यू विल गेट अ लॉट ऑफ, यू विल गेट अ गुड डिपॉजिट, और जब डिपॉजिट आएगा तो विड्रॉवल भी अच्छा खासा होगा, और आपका लोडिंग इन्वेस्टमेंट काफी कम हो जाएगा, तो दैट्स इटसेल्फ अ प्रॉफिट फॉर यू। तो मान लीजिए अगर आप 2000 रेंट देके अगर आपने एक अच्छी जगह पे अगर शॉप ले ली, और जहाँ पे आप, मैंने जो ये लिस्ट दिखाया है आपको, इस लिस्ट में से खासकर गुजरात और मैं बार बार महाराष्ट्र को हाईलाइट कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास कोऑपरेटिव बैंक्स भी अवेलेबल हैं कमर्शियल बैंक्स के अलावा जैसे कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, यस बैंक, साउथ इंडियन बैंक तो है ही 5 बैंक, और उसके अलावा 2-3 मेजर कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, कालोपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक है, फिर थाने जनता सहकारी बैंक हो गया, और फिर कुर्ला नागरिक सहकारी बैंक भी है, और एक अहमदाबाद मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक, मतलब 4 एक तरह से है, लेकिन इसमें मेजर 3 ये काफी उनके ब्रांचेस मैंने देखे हैं। कालोपुर आपको कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक का काफी अच्छा ब्रांचेस है, फिर अहमदाबाद मर्केंटाइल अभी काफी है, और फिर थाने जनता सहकारी बैंक्स के भी आपको काफी ब्रांचेस है। तो खासकर जो गुजरात और महाराष्ट्र के जो हमारे इनफैक्ट फ्रेंचाइजीज हैं जो अपना ये करना चाहते हैं, हिटाची का सीआरएम इंस्टॉल करना चाहते हैं, वो हमसे इजीली जो मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम लिख के डालेंगे, आप अपना लोकेशन निश्चित डालेंगे, मुझसे आप फोन करके सजेशन दे सकते हैं, मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि कौन सा एरिया उपयुक्त रहेगा इन सारे बैंक का, इनका प्रेजेंस देख के मैं उनको सजेस्ट करूंगा कि ये एरिया जहाँ पे माली सपोज अगर 4 बैंक आपको मिल जाते आपके, और उस आसपास के एरिया में अगर आप टारगेट करेंगे स्पेस लेने के लिए, तो दैट इज गोइंग टू बी वेरी विल बी क्वाइट बेनिफिशियल फॉर यू, और आने वाले समय में 6-7 महीने 1 साल के अंदर अंदर सारे बैंक्स भी लाइव हो जाएंगे, तो दैट्स गोइंग टू बी अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू। और मैं इनफैक्ट अगर किसी भी और बिजनेस के साथ अगर इसको कंपेयर करेंगे
इंस्टॉलिंग एंड मींस खासकर हम लोग नॉर्मल एटीएम्स में जो हमारा आरओआई आता है ऑन अ पर मंथ बेसिस दैट इज ऑलमोस्ट बिटवीन 3-4% ऑफ योर टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट. अगर सपोज अगर आपने 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है दैट इंक्लूड जो आप हिटैची को पैसे देते हैं एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट या फिर आपका जो लोडिंग इन्वेस्टमेंट है, तो उस दोनों को अगर क्लब कर देंगे, मान लीजिए सपोज अगर आपका 10 लाख रुपए आपका इन्वेस्टमेंट है तो यू आर अर्निंग बिटवीन 35-40,000 रुपीज एज पर द ट्रांजेक्शंस. ठीक है, टिकट साइज कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपके प्रॉफिट्स 3-4% के बीच में वेरी करते हैं. बट इन केस ऑफ सीआरएम इट कैन इवन क्रॉस 7-8% बिकॉज वहां पे आप कस्टमर एक तरफ पैसे डिपॉजिट कर रहा है वही पैसे फिर विड्रॉ. तो दैट्स द बिगेस्ट एडवांटेज ऑफ ये. और इसमें बेसिकली डेबिट कार्ड इज कंपल्सरी. मैं मतलब इस चीज को हाईलाइट कर दूं कि जो हमारा डेबिट कार्ड है वो कंपल्सरी है. इसमें आप 24/7 मान लीजिए आप जैसे ही आप डेबिट कार्ड करते हैं आपको उसमें आपके पास दो ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन आता है विड्रॉवल, एक आता है डिपॉजिट. ठीक है, मैं अभी आपको वीडियो भी दिखाऊंगा जो हमारा एक अभी लाइव हुआ है और उसमें एक ट्रांजेक्शन 50,000 रुपए तक आप आसानी से डिपॉजिट कर सकते हैं. तो ये एक अच्छा बेनिफिट मिलता है आपको. और थर्ड पार्टी अकाउंट डिपॉजिट भी इसमें ऑप्शन अवेलेबल है. ठीक है, और काफी अच्छी फैसिलिटीज है, धीरे धीरे करके इसका काफी अच्छा यूज होगा. और बेसिकली हम लोग जो प्लान्स है उनके ऊपर मैंने पहले भी काफी बार डिस्कशन किया है. मैं उसको फिर से एक बार हाईलाइट कर लूंगा कि जो हमारा ये है प्लान है, हमारे पास इसमें दो मॉडल्स अवेलेबल है. एक मॉडल है जो 1 ईयर रेंटल फ्री मॉडल है, उसके बाद फिर उसमें 14,500 रुपीज आपका पर मंथ रेंट लगता है. लेकिन उसमें आपको विड्रॉल ट्रांजेक्शन के ऊपर 11 रुपीज मिलता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन पे 2 रुपए और डिपॉजिट पे 14 रुपीज मिलता है. और उसमें आपका इन्वेस्टमेंट जो आएगा वो 1.5 लाख रुपए के ऊपर GST लगा, 27,000, टोटल 2,27,000 रुपीज लगेगा आपका. और इसमें अच्छा, लेकिन एक चीज है, आपकी लिमिट जो होती है 3 लाख होती है. मतलब एक बार एक साथ 3 लाख रुपए जमा हो गए तो फिर विड्रॉवल होते जाएंगे, फिर लिमिट्स रिलीज होती है. और अगर किसी के पास अगर ज्यादा डिपॉजिट्स है तो उस कंडीशन में हम लोग केस टू केस बेसिस पे उसको उनको बीजी या जो सीआरए कॉस्ट भी लगेगा वो उनको एप्लीकेबल रहेगा. और दूसरा प्लान जो है रेंटल फ्री मॉडल जो है वो ज्यादा बेनिफिशियल है बेसिकली, जहाँ क्योंकि अभी टाइम लगने जा रहा है ना, क्योंकि सारे बैंक्स लाइव नहीं है. तो हम लोग सजेस्ट करेंगे कि बेसिकली आप लोग रेंट फ्री मॉडल पे आप लोग प्रेफर करें. इसमें भले ही आपको देखने में आपको कैश ट्रांजेक्शन पे 8.50 रुपीज मिलता है, नॉन कैश ट्रांजेक्शन पे 2 रुपए और डिपॉजिट पे 8 रुपए मिलता है. और ज्यादा डिफरेंस नहीं है ये, इसमें टोटल 2,88,800 रुपीज लगता है, क्योंकि 1,60,000 पे आपका GST आएगा 28,800 और 1 लाख रुपीज आपका रिफंडेबल है, जो कि जब भी आप सरेंडर करते हैं सपोज अगर किसी कारण से आप अगर छोड़ना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आपको 1 लाख रुपए आपको मिल जाएगा. लेकिन 1,88,000 जब भी आप सरेंडर करें, चाहे भले ही 1 महीने के बाद भी करेंगे, तो वो 1,88,000 जो है वो नॉन रिफंडेबल है, वो पैसा आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये बेसिकली हमारे पास प्लान्स है अवेलेबल. और खासकर मैं इनफैक्ट अपने जो हमारे यूपी और बिहार में भी जो हमारे पार्टनर्स जुड़ना चाह रहे हैं, जो नए उम्र के लड़के हैं या जो बैंक CSP चला रहे हैं, मनी ट्रांसफर जिनके पास अच्छा होता है, खासकर EBS में अभी काफी परेशानी आ रही है EBS में TDS को लेके. तो मैं इनफैक्ट जो अच्छा ट्रांजेक्शन करते हैं EBS में, मैं वैसे पार्टनर्स को मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ कि वो लोग इस सभी इस मॉडल पे शिफ्ट कर सकते हैं, हिटैची का CRM इंस्टॉल कर सकते हैं. और जो भी खासकर डिस्ट्रिक्ट वाइज मैं उनको बता सकता हूँ कि कौन सा डिस्ट्रिक्ट प्रेफरेबल रहेगा CRM इंस्टॉलेशन के लिए, तो मुझे कॉल करके ये कर सकते हैं. मेरा व्हाट्सएप नंबर सब लोग नोट कर लें, 9801005212. फिर से मैं अपना व्हाट्सएप नंबर रिपीट कर देता हूँ, 9801005212. इस व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना मेरे को लोकेशन लिख के देंगे, आप अपना नाम लिख के देंगे, और अगर आप मेरे को अपना शॉप का वीडियो भी बताते हुए कि यहाँ पे मेरे को ये स्पेस है जिसमें कि मैं ATM लगा CRM लगाना चाहता हूँ, और उसके राइट हैंड साइड 100 मीटर्स और लेफ्ट हैंड साइड 100 मीटर्स, ये सारा चीज मुझे ये वीडियो बना के दे देंगे, और आप क्या करते हैं ये भी बता देंगे, तो इनफैक्ट मैं आपको परफेक्ट सजेशन दे सकता हूँ कि कौन सा, अगर आप कोई स्पेस रेंट करना चाहते हैं तो एक सही जगह मैं बता दूंगा कि उस जगह पे आप लें शॉप, जहाँ पे खासकर अभी बिहार शरीफ कुछ है, बिहार शरीफ है, नालंदा है, हमारे पास कई ऐसे लोकेशंस हैं बिहार में भी जो काफी आइडियल लोकेशंस हैं, इवन यूपी में भी काफी ऐसे लोकेशंस हैं. मेरे पास पूरे चार्ट्स हैं अवेलेबल, तो मैं उनको सजेस्ट कर सकता हूँ. आप काइंडली मेरे को फोन करके अगर आप इंटरेस्टेड हैं, और ये बहुत ही अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, इवन कोई नया व्यवसाय भी सोच रहे हैं तो उन लोगों के लिए भी बहुत अच्छी है अगर उनके पास अच्छा स्पेस अवेलेबल है.
और खासकर ये नए व्यवसाय में एंटर करना चाहते हैं और वो उनके पास उनकी इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी लगभग 5-6 लाख रुपए के आसपास में है, क्योंकि मान लीजिए आपको कैश लोड करने के लिए पैसे चाहिए, साथ में जो 2,88,000 यहाँ पे आप दे रहे हैं, तो अगर आप लगभग 6-7 लाख रुपए लगा सकते हैं तो आप इस बिजनेस को निश्चित ही प्रेफर करें। और आप मुझे फोन करके विशेष तौर पर पूरी जानकारी ले सकते हैं और मैं आपको भी मतलब एक वीडियो भी दिखाऊंगा जिससे कि आप लोग ये देख सकते हैं कि कैसे ये हो रहा है। ठीक है, जो बैंगलोर में लाइव हुआ है साइट, तो सबसे पहले आप अपना कार्ड इंसर्ट करते हैं तो आपके पास दो ऑप्शंस आते हैं। पहले अपने पिन नंबर डाला, जिस तरह से आप एटीएम ऑपरेट करते हैं, और उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है कैश डिपॉजिट और कैश विड्रॉल। आपने कैश डिपॉजिट भी किया, आपके पास दो ऑप्शन आते हैं, एक ओन अकाउंट डिपॉजिट या थर्ड पार्टी अकाउंट। आप ओन अकाउंट में डालते हैं, नेम कंफर्मेशन किया, अब अगर सपोज अगर 40,000 मतलब 50,000 में आपने मल्टीपल करेंसीज है तो वो उसको फिल्टर आउट कर लीजिए, एक साथ ही सारा कैश डाल देंगे। और ये हिटैची मशीन बनाती है और हम लोग इनफैक्ट हमारा हिटैची का सीआरएम मार्केट में लगभग 22% का मार्केट शेयर है। इवन अदर बैंक्स भी अगर सीआरएम अगर प्रेफर करती है तो हम लोगों से लगता है, तो खासकर जो हमारे बेसिकली गुजरात और महाराष्ट्र के एरिया से जो लोग हैं और बिहार यूपी में भी जो लोग जाना चाहेंगे, नए उम्र के जो नए लोग हैं जो एंटर करना चाह रहे हैं, तो ये निश्चित ही मुझे कॉल कर सकते हैं और इसके बारे में विशेष तौर पर जानकारी ले सकते हैं। और मैंने जैसे पूरा का पूरा आपको ये बताया है बेसिकली, खासकर आपको अगर आप खुद भी अगर आप असेस कर पा रहे हैं कि मेरे आसपास में ये सारे बैंक्स अवेलेबल हैं तो मैंने लिस्ट में दिखाए हैं आपको, तो आप उसको ये कर सकते हैं, देख सकते हैं। मैंने फिर से मैं एक बार आपको लिस्ट दिखा देता हूँ, आप लोग अपने हिसाब से भी इसकी जानकारी ले लीजिए कि अगर ये बैंक्स आपके लिस्ट आपके आसपास में हैं, लगभग जितने बैंक ज़्यादा अवेलेबल होंगे इसमें से इस लिस्ट में से कैनरा बैंक, यूनियन बैंक, आंध्रा बैंक, यश बैंक, साउथ इंडियन बैंक। अगर आपके पास नई भी जानकारी है तो और आप एंटर करना चाहते हो तो आप मुझको फोन करके बताएंगे, मैं आपको बेटर सजेशन दे सकता हूँ कि ये एरिया बेटर है, ये डिस्ट्रिक्ट बेटर है, इस एरिया के आसपास में आप अगर लोकेशन चूज करें तो काफी अच्छा रहेगा। और इस कॉपरेटिव बैंक में 3 कॉपरेटिव बैंक्स को आप मेजरली आप लोग कंसिडर कीजिएगा, कानोपुर कॉमर्शियल कॉपरेटिव बैंक्स या फिर थाने जनता सहकारी बैंक और एक आपका अहमदाबाद मर्केंटाइल कॉपरेटिव बैंक। ये भी बैंक हमारे आईसीडी प्लेटफॉर्म पर लाइव है, तो खासकर इन बैंक्स के आसपास में अगर आपके पास लोकेशन अवेलेबल है या इनफैक्ट आप और भी कुछ अगर जानकारी लेना चाहना चाहते हैं कि कौन सा एरिया बेटर रहेगा और जो नए आदमी भी इनफैक्ट इस बिजनेस में आना चाहेंगे, मैं बताऊं बेसिकली जो भी सीआरएम आप इंस्टॉल करते हैं तो उसमें आपका आरओआई काफी अच्छा आएगा और आने वाले 6-7 महीने के अंदर अंदर ये बिजनेस और भी काफी स्ट्रॉन्ग होगा जब सारे के सारे बैंक्स लेंगे। तो मैंने जैसे अपना व्हाट्सएप नंबर बताया 9801005212,
फिर से मैं रिपीट करना चाहूंगा 9801005212। इस नंबर पर मुझे अपना पूरे डिटेल्स भेज के सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी आदमी इस में एंटर करना चाहते हैं और उनके पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी लगभग 5 से 6 लाख 7 लाख रुपए का इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो बेसिकली ये सारे प्लान्स को देखते हुए वो अपना माइंड को मेकअप कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों।